देखो, कि विद्वान के उपदेश के बिना कुछ नहीं। देखो, मैं ये कहता हूं कि पहला मंडल जो है भगवान ने ऋग्वेद का, उसमें विद्वानों की बड़ी महिमा गाई है। जो मंत्र देखो ज्यादातर विद्वान, बीच में थोड़ा साइंस के निकले थे, और अब मैंने आज देखा था ये भी, देवाः दिव्य गुणाः के समान जो यह पूर्ण विद्या प्राप्त, पूर्ण का मतलब है चारों वेद योग, जो विद्या है वेदों की। तो ये विद्वान के गुणों का वर्णन, यानी उसकी उपमा में उसका जो गुणगान जो है ईश्वर ने आपसे कराया है समाज से, कि इसमें उपमा अलंकार इस मंत्र में भी, और भगवान कहता है हे मनुष्यों, इस तरह से विद्वानों से प्रार्थना करो। कैसे करो? ये कहो कि हे मनुष्यों, आप लोग जो हैं सब नर नारी बेटा बेटी सब, यह पितृवित्त हो, पिता पिता के पिता फिर पिता के पिता, परंपरा से जो पितृवित्त है ना, वो जो आपको ज्ञान देते आए हैं, जैसे श्री राम का जो खानदान है वो मनु भगवान से शुरू हुआ, तो मनु ने क्षिप्त को ज्ञान दिया, क्षिप्त ने विक्षिप्त को, विक्षिप्त ने ऐसे, फिर उसके अंदर याति अष्टक राजा, कुरु राजा, पुरु राजा आए, अंत का जो अज राजा आए, फिर दशरथ राजा आए, फिर राम राजा आए, ये सारे राजा आए। तो इनके घर में वेद विद्या थी, तो इनके बाप दादा परदादा अपने जैसे संतान उत्पन्न होते थे, उनके संस्कार कराते थे, उनको बड़ा होकर सिखाते थे तुम्हें गुरुकुल जाना है, तुमने भी घर में ही वेद विद्या थी वैसे, और ऐसी तो नहीं जो ऋषियों के पास थी, वो तो सिर्फ मनु के पास थी। तो वो फिर ऋषियों के गुरुकुल में भेजते थे, यानी वो कर्तव्य होता था उनका, उनको पता था कि वेद ने कहा माता पिता का कर्तव्य है कि बेटा बेटी को वेद की शिक्षा दिलाए। तो वही पितृवित एक परंपरा बताई भगवान ने, कि आपके माता पिता फिर उनके माता वो फिर वो ऐसी परंपरा से दादा परदादा। तो जो भी माता पिता की आज्ञा मानकर वेद मार्ग पर चलता है, विद्वानों से शिक्षा लेता है, तो रही नहा, वो उसका रही है, धन है, विद्या धन है जो कभी चोरी नहीं होता है। और वो वयोधाहा, वय बोलते हैं जीवन को, आयु को, धा धारणा, तो वो जीवन को धारण करने वाली विद्या है ये, है ना, ये जो आप सुनते रहते हो ये जीवन को धारण करने वाली विद्या है, इससे जीवन धारण किया जाता है, जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश किया जाता है। तो कोई भी धन या और कोई ज्ञान ना प्राप्त करने वाला परिवार का सदस्य इस विद्या का दान नहीं कर सकता, ये विद्वानों के पास जाकर ही ये शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिससे जीवन अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त होता है। समझने के लिए बड़ी धियो यो न प्रचोदयात, तैयार करते रहो अपनी बुद्धि को ज्ञान सुना सुना कर, तैयार हो जाएगी समझने लायक, उसकी बुद्धि में ये समझ में आएगा जो ज्ञानवान होगा कि भी ये तो संसारी पदार्थ है, हम तो इसी में ही फंस के रह गए, ये तो हमारे सिर्फ कर्तव्य थे, वो भी 50-60 साल तक के कर्तव्य थे, इससे आगे तो कोई कर्तव्य नहीं था। दया अलग है,
मेरे कोई कर्तव्य नहीं, मेरे पास पर दया आ जाती है, उसी से मैं मारा गया हूं। तो ये परंपरा से ज्ञान है ना, समझ में आ रही ना। आज विश्व के किसी घर में बिरला ही माँ बाप दादा दादी वेद विद्या को जानने वाले हैं, बिरला ही। आप में से कुछ भाग्यशाली होते जा रहे हैं कि वेद विद्या थोड़ी 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 आती जा रही है आप लोगों के पास, लेकिन आपके पास जो विद्या आई है वो आपकी ही रक्षा करेगी, जो अधिकारी है। आप आज के जमाने में अगर इस विद्या को अपने बेटा बेटियों पे थोपोगे, वो नहीं मानने वाले। हाँ, बेटा बेटी जो पर्सनल मैटर में कह रहा हूं, यहां आता है गुरु के पास, उसका तो सुधार कभी ना कभी संभव है। बाकी आप सुनते रहते हो, अगर आपकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है कि बिना विद्वान के, बिना वेद विद्या के कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो आज के बेटा बेटी जो भौतिकवाद में रत हो गए हैं, उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता, ऐसे सुखी नहीं हो सकता जैसे आज पूरे विश्व पर कहर बरस रहा है, बिना वेद विद्या के जो युद्ध हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, आगें लग रही हैं, बिजलियां कौंध रही हैं, बिजली से कई लोग, अब कल परसों भी मैंने टीवी पे देखा था, बस ये बिजली के करंट से बेचारों को बहुत बुरा हाल हो गया। दिल्ली में मैं हॉस्पिटल जा रहा था, हमारी कार क्राउड में रुक गई, न क्या हुआ कुछ देखा, सामने ही था वो, खंभे पे चढ़ा हुआ था, बिजली ने ऐसा करंट मारा नीचे गिरा करके, और पुलिस थोड़ी देर में आई, उसको स्ट्रेचर पर ले गई, समझ रहे हो ना। परसों समझाया कि ये बातें महाभारत काल से पहले पहले नहीं होती थी, कारण एक ही था कि उस वक्त वेद विद्या थी। तो अब हमें समझना है कि नानक दुखिया सब संसार क्यों है, ये नहीं कि भी उसके पास नाम जपे सो उतरे पार है ना, ये नहीं है। क्योंकि आज संत सदगुरुओं ने इतने नाम दान किए हुए, इतने नाम दिए, लाखों करोड़ों को पहुंचा दिए, करोड़ों क्या बहुत करोड़ों को पहुंचा दिए नाम घर घर पर, दुखी सारे ही है, सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो तरीका गलत है, वेद नहीं है घर घर में। जैसे वाल्मीकि जी कह रहे ना, निर अग्नि ही, अग्निहोत्र के बिना कोई घर ही नहीं था उस समय। तो एक कानून समझो भगवान का, कि अगर जिस घर में वेद नहीं है, वेद नहीं सुने जाते, गुरु परंपरा नहीं है, ऋषि परंपरा, तो वो ईश्वर उस घर को नहीं चाहता, ईश्वर का ही कानून है। सैकड़ों बार समझाया मैंने, ईश्वर का कानून। तो इसलिए यहां डाला पितृवित्त, पितृ बोलते हैं, पितर बोलते हैं, गुरु ऋषि को भी बोलते हैं, भगवान को भी कहीं कहीं बोलते हैं, और कहीं कहीं वेद के अनुसार माँ पिता, पिता माँ वो दादा, दादा का फिर परदादा, उससे और आगे ऐसे है ना, ये परंपरा। तो अब जैसे आपके घर में ये विद्या आ रही है, अधिकारी जो भी है, तो आपका बेटा तो कह सकता, बेटी कह सकती कि मेरे माँ बापों पर वेद सुनते थे, वेद का ज्ञान था। जैसे श्री राम कह सकते थे, कहते थे कि मैं दशरथ जी मेरे पिता हैं, कौशल्या आदि मेरी तीन माताएं हैं, सब वेद की ज्ञाता हैं, सब वेद की ज्ञाता हैं। तो उन्होंने हमें बचपन में गुरुकुल भेजा। आज कोई बच्चे को अपने गुरुकुल नहीं भेज सकता,
तो ये परंपरा से आता गृहस्थ आश्रम में ज्ञान। तो अब इसका भाव सुनो कि वो जो वो अतिथि रूप में प्रीणानाह प्रसन्न एवं अतिथि ही महाविद्वान अतिथि अतिथम परिपश्यति वही देव यज्ञ। यानी गुरु भक्ति अगर किसी में हो, गुरु शब्द वैसे ठीक नहीं है, फिर निकल रहा है क्या करें आजकल के जमाने से। आचार्य की भक्ति जो है, विद्वान ऋषि मुनि की जो भक्ति है, इतनी प्रभावशाली बनाई हुई भगवान ने कि कोई अगर जान जाए कि ऋषि योगी तपस्वी कौन हो, किसको कहते हैं, है ना, उसी से तो जाना जाएगा कि परमेश्वर किसको कहते हैं। तो कोई जान जाए तो भगवान ने सीधा ही कहा, अतिथिम परिपश्यति वही देव यज्ञ। है नर नारी, अगर तू उस विद्वान आचार्य का दर्शन ही कर लेता है तो तेरे को यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है, वही देव यज्ञ, वो तेरा देव यज्ञ हो गया। पर इतनी श्रद्धा, इतनी सेवा, इतना विश्वास, इतना समर्पण नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं योगी किसको कहते हैं, सुनते हैं जानते नहीं। जैसे हीरे के बारे में लोग सुनते हैं पर जानते नहीं कि हीरा किस कीमत का कैसा होता है, किस कीमत का कैसा, हीरे के बारे में जानते नहीं है, जानता कोई कोई बिरला, यही जोहरी। तो जैसे आप यहीं से प्रश्न उठता है कि उपमन्यु को गाय की सेवा करने मात्र से ब्रह्म ज्ञान क्यों हो गया, उसके जो आचार्य थे द्रुमत ऋषि, उन्होंने तो उसको दीक्षा दी नहीं, ना हवन पे बैठने दिया, ना यज्ञ पे बैठने दिया, ना वेद सुनाए, फिर ना योग की कुछ भी शिक्षा नहीं दी, बैठने नहीं दिया यज्ञ में। सुबह सुबह हवन, सुबह सुबह गाय लेकर निकल जाता था, जब हवन यज्ञ खत्म हो जाता था तब सायंकाल के बाद में आता था वो, और आ भी जाता बैठने की आज्ञा नहीं थी। तो वो गुरु परंपरा उस वक्त इतनी विलक्षण थी, इतनी तीव्र थी, इतनी घर घर में थी कि उपमन्यु जानता था कि योगी ऋषि मुनि किसको कहते हैं। तो उतनी ही श्रद्धा से वो द्रुमत ऋषि का रोज दर्शन कर लेता था, सुबह भी जब गाय ले जाता था, शाम को भी आगे कर लेता था कि हे ऋषिवर ये गाय में ले आया चरा कर। तो श्रद्धा से विश्वास से की जानकारी प्राप्त किए हुए गुरु के जब वो दर्शन करता था, उसका तो देव यज्ञ हो जाता था, अपने आप ही हो जाता था। ऐसे न जाने कितनों का देव यज्ञ हो गया। तो ये भाव जो भगवान इस मंत्र में दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, न खलु विद्या धर्मानुष्ठान, विद्या का धर्मानुष्ठान नहीं करते, धर्मानुष्ठान धर्म अनुष्ठान, कर्तव्य अनुष्ठान वेदों का अनुष्ठान, कर्तव्य कर्म वेदों से जानकर गृहस्थ आश्रम के केवल शुभ शुभ कर्तव्य कर्म करना, जब तक लोग ये नहीं जानते। और ये किसके किससे जानेंगे, तो आगे लिखा, आगे कहा विद्वत संग सुविचार ही, विद्वान के साथ अच्छे विचारों के द्वारा, जब तक कोई अपने कर्तव्य कर्म धर्मानुष्ठान वेदानुष्ठान नहीं जानता, नहीं करता, विद्वान के बिना नहीं जान सकता ना, और वो नहीं करता, तो बिना कस्यचित मनुष्यस्य
विद्या सुशिक्षा साक्षात्कार हो, ना उस मनुष्य को विद्या मिलेगी ना साक्षात्कार होगा किसी पदार्थ का, उनमें भगवान भी आता है, ना उसे पता चलेगा भगवान का स्वरूप क्या और ना उसको पता चलेगा सत्संग का स्वरूप क्या। सत्संग किसको कहते हैं? आज भागे जा रहे हैं, हम तो सत्संग सुनने तर गए, हम तो सत्संग सुनने तर गए। कई बार टीवी में मैं सुनता हूं वो सतगुरु महाराज जी बोलते हैं टीवी में, सो कॉल्ड सतगुरु, हमें हमारे शिष्य ने कहा हमारे घर सत्संग कर दो, हमने कह दिया हम सत्संग कर देंगे। व्हाट इज दिस सेंस? कई बार मैंने कहा भी सत का संग और सत सत धारती श्रद्धा, और वो सत्य जो है ईश्वर, और ईश्वर का संग बिना योगी के हो नहीं सकता, क्योंकि योगी में ईश्वर प्रकट है। इसलिए भगवान ने वेदों में कहा देवा अगन्म ज्योति भूम, ये ऋषि मुनि आए तो ज्योति आ गई भगवान की, स्वर्ग मिल गया, आनंद आ गया ना? इतनी श्रद्धा, इतनी जानकारी। तो बिना योगी ऋषि मुनि के कौन सा सत्संग होता है? कथा का होता है, कहानियों का होता है, हंसी मजाक का, ताली बजाने का, नाचने का, ये तो भौतिकवाद है सारा, ये तो सारा भौतिकवाद है, नष्ट है, नाशवान है। आदमी की बनाई किताबें हैं, ईश्वर की वेदवाणी या ऋषि की वाणी नहीं है जो तारती है। तो यहां सीधा ही कहा कि जो विद्या को प्राप्त धर्म को जानने वाले विद्वान हैं, अगर उनका संग नहीं है ना, आंखो ना कि न खलु, खलु शब्द है ना, विद्या धर्मानुष्ठान और विद्वत संग सुविचार ही बिना। भी विद्या तीन है ना, त्रियम ब्रह्म सनातन वेद की, वेद चारों वेद मतलब, उस विद्या को कोई नहीं जानता, वेदानुष्ठान कोई नहीं करता, धर्मानुष्ठान नहीं जानता, सुविचार ही वेद विद्या से प्राप्त जो सत्संग के सुविचार अच्छे विचार वो नहीं जानता, तो फिर विद्वान कैसा हुआ है? इन सब को जानने वाला ही विद्वान है। और यहां का ऐसे विद्वान के बिना कश्चित मनुष्य से विद्या सुशिक्षात्कार हो और विद्य युदादि पदार्थ विज्ञानम च जायते न होना। अब इतना कुछ है सारा, ये थी किसी विद्या शिक्षा साक्षात्कार ईश्वर का या पदार्थ का साक्षात्कार, के ईश्वर किसको कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं, स्वर्ग नर्क किसको कहते हैं, पूजा किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको, ये सारा का सारा बिना विद्वान के कोई नहीं जान सकता, ऐसा इसका वेद मंत्र का जो है ना भावार्थ है कि नहीं जान सकता। और इसी प्रकार न किल नित्यम भ्रमणशीलानाम विदुषाम अतिथिनाम उपदेशेन, उस महा अतिथि महा विद्वान जो भ्रमण करके भी रुद्र जाके भी वेद के यज्ञ करता है, सुशिक्षा देता है, कर्म का बोध कराता है, उस विद्वान के बिना कश्चित न भ्रमो भवंतु शक्नोति, कोई भी अपना भ्रम संशय नष्ट करने में कामयाब नहीं हो सकता। सारे संशय भ्रम तो विद्वान ही नष्ट करता है, नहीं तो आज देख रहे हो सो कॉल्ड गुरु तो संशय बढ़ाए जा रहे हैं, इतने संशय बढ़ गए हैं कि जिसका गुरु नहीं है वो भी भागता है कि भाई दुनिया गुरु कर रही मैं भी कर लू, नहीं तो मैं करूंगा नहीं, संशय युक्त आत्मा है सारी।
उन्हें नहीं पता कि गुरु किसको कहते हैं। ये तो गुरु जी किसको कहते हैं, भगवान ने बता तो रहा सैकड़ों है वेद मंत्रों में कि इन इन विद्वानों के बिना संशय रहित भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। तस्मात एतद् सदा आचरणीयम्, इसलिए सब मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिए, विद्वान गुरु की आज्ञा में रहकर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।